मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों आज हम लेसन 3 में पार्ट 1 हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउस मींस होता है घर, घर क्या है। तो बच्चों वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज, घर के प्रकार, घर कितने प्रकार के होते हैं। पीपल हु हेल्प इन बिल्ड हाउसेज, लोग जो घर बनाने में मदद करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए जाने घर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस चीज से मकान जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे ईंट के मकान है वो क्या क्या मिला करके बनाया जाता है, मिट्टी के मकान है वो क्या क्या मिला करके बनाया जाता है। बच्चों वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स, वी फील सेफ इन आवर हाउस। बच्चों हम लोग को, सभी को घर की जरूरत होती है। हम लोग को घर जो है वो ठंड और गर्मी, बारिश सभी से बचाते हैं। घर में हम लोग सेफ रहते हैं, चोर और जंगली जानवर से भी घर में हम लोग सुरक्षित रहते हैं। यानी कि घर हम लोग को बहुत से चीज़ों से बचाता है, जैसे सूर्य की प्रकाश, सूर्य की जो प्रकाश होती है वो तेज होती है। हम लोग घर में रहते हैं तो सूर्य की तेज प्रकाश हम लोग के पास नहीं आता है, और बारिश जो होती है वो, और ठंड गर्मी ये सब से, धूलकण, जंगली जानवर, चोर, ये सब से हम लोग को घर जो है वो बचाता है। घर में हम लोग सेफ महसूस करते हैं, यानी कि सुरक्षित महसूस करते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, लोग जो हैं भिन्न भिन्न, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। कुछ लोग कच्चा हाउस में रहते हैं, कुछ लोग पक्का हाउस में रहते हैं। तो बच्चों आइए जाने पक्का हाउस क्या है, कच्चा हाउस क्या है, ये सब के बारे में। सम पीपल लिव इन कच्चा हाउस, कुछ लोग जो हैं वो कच्चा हाउस में रहते हैं। कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, लीव्स, अस्ट्रा एंड बंबू। कच्चा हाउस किसको कहते हैं, मिट्टी के जो घर होते हैं उसे हम लोग कच्चा हाउस कहते हैं, और वो क्याची से मिलकर बनाए जाते हैं। तो बच्चों मड यानी गीली मिट्टी, लीव्स यानी पत्तियां, अस्ट्रा यानी पुआल, बंबू यानी बांस, ये सब मिला करके हम लोग कच्चा हाउस बनाते हैं। कच्चा हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कच्चा हाउस जो है वो मजबूत नहीं होता है। दे आर फाउंड मोस्टली इन विलेज, ज़्यादातर ये गाँव में पाया जाता है। कच्चा हाउस बच्चों कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो ये गाँव में कच्चा हाउस ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और शहरों में पक्का हाउस ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस, हट मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी जो है वो कच्चा हाउस का एग्जाम्पल है। बच्चों कच्चा हाउस गांव में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और कच्चा हाउस जो है वो जिसमें झोपड़ी जो है वो क्या है, कच्चा हाउस का उदाहरण है। सम पीपल लिव इन पक्का हाउस, कुछ लोग जो हैं पक्का हाउस में रहते हैं। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, वुड एंड ग्लास। पक्का हाउस ब्रिक यानी ईंट, सीमेंट, स्टील, वुड यानी लकड़ी, ग्लास यानी शीशा, ये सब मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे कि पक्का जो हाउस होता है वो ईंट की बनी हुई रहती है, सीमेंट बालू वगैरह से इसकी जुड़ाई की हुई रहती है, और पक्का हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होता है। दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज, यह नगरों में और शहरों में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। बंगला, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड स्काई स्कोपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस।
बच्चों अब हम लोग कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में जान गए हैं कि पक्का हाउस क्या है और कच्चा हाउस क्या है। कच्चा हाउस जो है मिट्टी पुआल ये सब मिला करके बनाए जाते हैं और पक्का हाउस जो है ब्रिक सीमेंट ये सब मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो बच्चों आइए अब हम लोग इसका मीनिंग जानें जिससे आप लोग को बुक पढ़ने में आसानी होगी। बच्चों हाउस मीन्स घर, HOUSE हाउस मीन्स घर, NEED नीड मीन्स जरूरी, PROTECT प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, PROTECT प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, THIEF थिप मीन्स चोर, FEEL फील यानी महसूस करना, डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, टाइप यानी प्रकार TYPE टाइप मीन्स प्रकार, मड मीन्स गीली मिट्टी MUD मड मीन्स गीली मिट्टी, लीव्स LEAVES मीन्स पत्तियां, लीव्स मीन्स पत्तियां, अस्ट्रा STROW अस्ट्रा मीन्स पुआल या सूखी घास, बम्बू BAMBOO बम्बू मीन्स बांस, HUT हट मीन्स झोपड़ी, VILLAGE विलेज मीन्स गांव या घर, ब्रिक BRICK ब्रिक मीन्स ब्रिक यानी ईंट, BRICK ब्रिक यानी ईंट, बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग मीन्स ईंट के जो बने हुए मकान होते हैं वो, बिल्डिंग मीन्स मकान। बच्चों हाउस मीन्स घर, नीड मीन्स जरूरी, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, थीप यानी चोर, फील यानी महसूस करना, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, टाइप मीन्स प्रकार, मड यानी गीली मिट्टी, लीव्स यानी पत्तियां, अस्ट्रा यानी पुआल, बम्बू यानी बांस, हट यानी झोपड़ी, विलेज यानी गांव, गांव या घर कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ब्रिक यानी ईंट, बिल्डिंग यानी मकान, हाउस मीन्स घर, नीड यानी जरूरी, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, थीप यानी चोर, फील यानी महसूस करना, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, टाइप यानी प्रकार, मड मीन्स गीली मिट्टी, लीव्स यानी पत्तियां, अस्ट्रा यानी पुआल, बम्बू मीन्स बांस, हट मीन्स झोपड़ी, विलेज मीन्स गांव या घर, ब्रिक यानी ईंट, बिल्डिंग यानी मकान। बच्चों इस तरह से आप लोग बार बार मीनिंग को पढ़कर याद कर लीजिएगा और इसे इस तरह से फेयर में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को बुक पढ़कर हिंदी करने में आसानी हो। पीपल हु हेल्प टू बिल्ड अ हाउस, लोग जो हैं हम लोग को घर बनाने में कैसे मदद करते हैं। मैनी पीपल वर्क टूगेदर टू बिल्ड अ हाउस, बहुत से लोग हैं जो घर बनाने में एक साथ साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं और हम लोग को मदद पहुंचाते हैं। जैसे कि पहला जो है कारपेंटर, अ कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज, अ कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज। कारपेंटर जो है बढ़ई जो है वो क्या करता है, हम लोग के घर में दरवाजे और खिड़कियां बनाता है। कारपेंटर मीन्स बढ़ई हम लोग के घर में क्या करता है, दरवाजों और खिड़कियां बनाता है। बच्चों कौन बनाता है,
कारपेंटर यानी बड़ी। दूसरा पॉइंट है अ मेसन लेज द ब्रिक अमेसन लेज द ब्रिक्स ऑफ द वॉल्स। एक मिस्त्री जो है हम लोग को घर में क्या करता है, हम लोग को घर का जो दीवार है उसको जोड़ता है ईंट और सीमेंट द्वारा। एक मेसन जो है हम लोग को घर के जो दीवार है इसको ईंट सीमेंट द्वारा जोड़ता है। इस प्रकार वो हम लोग को घर बनाने में मदद पहुंचाता है। बच्चों तीसरा है एन एन आर्किटेक्ट बच्चों एन आर्किटेक्ट ड्रा द प्लेन ऑफ अ हाउस। एक प्लेन हाउस में आर्किटेक्ट जो है वो क्या बनाते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं। जो फोर है पॉइंट अ प्लंबर फीड्स वाटर पाइप्स अ प्लंबर फीड्स वाटर पाइप्स अ प्लंबर फीड्स वाटर पाइप। बच्चों प्लंबर जो होते हैं वो हम लोग के घर में कौन सा काम करते हैं, वाटर यानी पानी का जो कनेक्शन है, पानी का जो पाइप है वे फिट करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। बेसिन में या जहाँ जहाँ भी पाइप को फिट करना है वो कौन करते हैं, तो प्लम्बर करते हैं। बच्चों ये चार पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अ कारपेंटर मेक्स डोर एंड विंडोज, अ मेसन लेज द ब्रिक्स ऑफ द वॉल्स, एंड आर्किटेक्ट ड्रॉ द प्लेन ऑफ अ हाउस, अ प्लंबर फिट्स वाटर पाइप्स। बच्चों इसके आगे है इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिशियन फिट्स वायर्स स्विचेस वायर्स स्विचेज
प्लस बच्चों एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर स्विचेज एंड प्लग्स। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली बनाने वाले को हम लोग कहते हैं, वे क्या करते हैं, वो स्विच और प्लग को वायर के साथ क्या करते हैं, तार के साथ क्या करते हैं, फिट करते हैं। यानी इलेक्ट्रीशियन जो है वो लाइन का जो काम होता है वो हमारे घर में करते हैं। बच्चों आगे का जो पॉइंट है वो है ए पेंटर अ पेंटर पेंट्स अ पेंटर पेंट्स द वॉल। बच्चों एक पेंटर जो है हम लोग को दीवार को क्या करता है, वो पेंट करता है। अ पेंटर पेंट्स द वॉल। पेंटर जो है हम लोग को जो दीवार है उसको क्या करता है, पेंट करता है। एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर स्विचेज एंड प्लग्स। अ पेंटर पेंट्स द वॉल। बच्चों लोग हम लोग को घर बनाने में कैसे मदद करते हैं, आप लोग ये पॉइंट के माध्यम से समझ गए होंगे और आप लोग ये सारे चीज को फेयर में कर लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, फिर मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी और इसे आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा। थैंक्स।